चमोली में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, क्रिटर्स एवं मीडिया प्रतिनिधियों के साथ इलेक्ट्रेट सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करने और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया पर विज्ञापनों का प्री सर्टिफिकेशन और पेड न्यूज के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को जनसभा, रैली करने के लिए स्थल एवं हॉल निर्धारित कर लिए गए हैं। इन निर्धारित स्थलों पर ही चुनाव प्रचार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए चुनाव प्रचार करना होगा। प्रचार के दौरान मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाए। डोर टू डोर चुनाव प्रचार के लिए 5 लोगों को ही अनुमति रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 80+ और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल वैलेट की सुविधा दी जा रही है। ऐसे इच्छुक नागरिक पोस्टल वैलेट से मतदान कर सकते हैं। एमसीएमसी के उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमंत कुमार वर्मा, मास्टर ट्रेनर शिखर सक्सेना एवं एपी डिमरी ने मीडिया प्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों को पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के कार्यों और पेड न्यूज विषय पर विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि सभी राजनीतिक विज्ञापनों का प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी से प्रमाणीकरण किया जाना जरूरी है। विज्ञापन प्रसारण की तिथि से 72 घंटे पहले एमसीएमसी से सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन करना होगा। विज्ञापनों में किसी तरह की गलत शब्द, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री, चरित्र हनन, व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप, न्यायालय की अवमानना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को खराब करने वाली सामग्री नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी दशा में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कार्यशाला में बताया कि ऐसी खबरें जो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नकद या किसी दूसरे को फायदा के बदले प्रसारित की जाती है, वो पेड न्यूज है। चूँकि पेड न्यूज अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन सामग्री का कार्य करता है, इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम सेक्शन 127 ए के तहत 2 वर्ष की सजा तथा RP 127A(1) से आच्छादित है। बताया कि उम्मीदवार के नामांकन के दिन से पेड न्यूज का संज्ञान लिया जाता है। पेड न्यूज सिद्ध होने पर उम्मीदवार के चुनाव खर्चे में जुड़ने के साथ ही उम्मीदवार का नाम CEO की वेबसाइट पर डाला जाता है। निर्वाचन आयोग मीडिया की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। मीडिया किसी भी विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं। मतदान एवं मतगणना केंद्रों के लिए मीडिया को प्राधिकार पत्र जारी किए जाते हैं, लेकिन मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होता है। वोटिंग कंपार्टमेंट के निकट जाना, वोट डालते समय फोटो वीडियो बनाना प्रतिबंधित है। प्रथम चरण के मतदान प्रारंभ होने से अंतिम चरण के मतदान समाप्ति तक किसी भी तरह का एग्जिट पोल नहीं प्रसारित किया जाएगा। अंतिम 48 घंटों में ऐसा कुछ भी प्रसारित न करें, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकता है। इस दौरान मीडिया से नए मतदाताओं का पंजीकरण एवं मतदान के लिए लोगों जागरूक करने की अपील भी की गई। इस दौरान कार्यशाला में पत्रकारों सहित तमाम प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े लोग उपस्थित थे। ऑर्गेनाइज हमने कराया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि कोविड-19 को देखते हुए प्रचार प्रसार की गाइडलाइंस में क्या चेंज हुआ है, उसमें हम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और हम मीडिया बंधुओं को हमने अवगत कराया है कि किस तरह से प्रचार प्रसार उसमें किया जाना है, क्या गाइडलाइंस है और किन चीजों को आचार संहिता में सम्मिलित किया गया है ताकि प्रचार प्रसार जो है कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार ही किया जाए। दूसरा जो हमारा मीडिया सर्टिफिकेशन और पेड न्यूज है, उसके क्रम में हमने एक वृहद रूप से जानकारी देने का प्रयास किया है कि तो बहुत मीडिया कर्मियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कि जो एमसीएमसी की गाइडलाइंस हैं प्री सर्टिफिकेशन से रिलेटेड और पेड न्यूज में क्या प्रावधान है निर्वाचन आयोग के और जो आईपीसी और अन्य धाराओं में है, ताकि उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और
कार्रवाई अगर की जरूरत पड़ती है तो बाद में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।